वज़ीर-ए-आज़म पार्टी अरकान वजीरों और मशीरों से नाराज, पीटीआई कोर कमेटी इजलास में शिकवा किया। मुश्किल वक्त में कोई साथ खड़ा नजर नहीं आता। चंद हफ्तों से पार्टी रहनुमा फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए। तमाम अरकान को मुल्की और सियासी मामलात पर यकजुबा होना चाहिए। फवाद चौधरी और आजम सबाती की पेशी पर रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत। कप्तान पीटीआई कैसी चाहता है, एमक्यूएम जैसी चाहता है। वजीर आजम ने एमक्यूएम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, जब वो एमएनए थे तो एमक्यूएम के किसी एक रुकन पर बात होती तो पूरी जमात रिएक्शन देती थी। 18 के 18 अरकान यकजबान होकर बोलते थे। पता चलता था किसी मामले पर कोई रिएक्शन आया है। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा नहीं किया था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वुजरा के दावों को झूठ करार दे दिया। कहते हैं तहरीके लबैक से कई मुआहदे करके तोड़े गए, इसलिए उनको हुकूमत पर एतमाद नहीं था। हुकूमत के बाख्तियार लोग झूठ बोलें तो मुनासिब नहीं। बगैर सोचे समझे ताकत का इस्तेमाल फिरौनियत है। वजीराबाद में मजहबी जमात ने लॉन्ग मार्च को धरने में बदल दिया। साद रिजवी की रिहाई तक कारकुन पार्क में कयाम करेंगे। रावलपिंडी से गुजरात तक कहीं रास्ते खुले और कहीं बंद हैं। चनाब पुल पर कंटेनर समेत खंडकें अब भी मौजूद। जेहलम पुल पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। महंगाई के पे दर पे वार, मीठे में भी जहर घोल दिया। चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। पाकिस्तानी चीनी 125 रुपए किलो हो गई। शहरी 90 रुपए किलो मिलने वाली दरामदी चीनी से नाखुश। फीकी और बेमजाक करार दे दिया। कराची में आटा 84 रुपए फी किलो में बिकने लगा। सर्दी आई नहीं और गैस महंगी हो गई। 13 रुपए इजाफे से एलपीजी 217 रुपए किलो कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा। सिंध में सीएनजी 5 रुपए बढ़ गई। फी किलो कीमत 185 रुपए मुकर्रर। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। लाहौर के हल्का इन 133 का जिमनी इलेक्शन होगा। इंतखाब मुलतवी करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है पोलिंग 5 दिसंबर को ही होगी। इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से कोई तजवीज जेरे गौर नहीं। नैब ऑर्डिनेंसेज ने भी हैट्रिक कर ली। हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से वापस। सिर्फ सदर मुमलिकत ही हटा सकेंगे। धोखाधही और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द। 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड मुकदमा नैब सुन सकेगा। मुहम्मद का बादशाह अगर आपने कहा है तो बादशाह बार बार जेल में नहीं जाता, बल्कि जाता ही नहीं बादशाह तुझे। इमरान खान नियाजी अपने आप को एनआरओ दे दें, जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा एनआरओ नहीं दूंगा, उसने अपने आप को और अपनी काबीना को एनआरओ दे दिया है। पीडीएम बकायदा एक प्लेटफॉर्म है, वही मजाज है ऐसे फैसले करने के लिए। और अगर पीडीएम शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली की तजवीज मुस्तरद कर दी। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ अभी तहरीकत में एतमाद का वक्त नहीं आया। आने वाले दिनों में हुकूमत को मौका नहीं देंगे। मफाहमत का बादशाह होता तो बार बार जेल न जाता। इमरान नियाजी अपने और काबीना के लिए एनआरओ लाए। बिल्कुल बदल चुके हैं कि लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे। वजीर आजम के लिए आइडियल जॉब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आएगी और ये जॉब उनको चाहिए होगी तो शायद। वजीर आला सिंध को हवाओं का रुख तब्दील होता दिखाई देने लगा। कहते हैं अब पीटीआई वालों की जमानतें जब्त होंगी। हमारी हुकूमत आई तो इमरान खान को क्रिकेट बोर्ड में रखेंगे। कराची में नस्ला और तिजोरी हाइट्स के बाद मक्का टावर की बारी। सिंध हाईकोर्ट ने मक्का टावर मिसमार करने का हुक्म दे दिया। सब गैर कानूनी बिल्डिंग्स गिराना पड़ेंगी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत के रिमार्क्स। बिल्डिंग की तामीर के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। नेशनल बैंक साइबर हमले से संभल ना सका। 40% से ज्यादा ब्रांचेज अभी तक बंद। कौमी बैंक पर साइबर हमला किस मुल्क से हुआ, किस गिरोह ने किया, हतमी रिपोर्ट 10 से 15 दिन बाद आएगी। स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। माहिरीन ने लाहौर की फजा सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दी।
और सिल्वी शहर सिडनी बेहतरीन फजा में पहले नंबर पर। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के टिकट कटवा ली। श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त। 164 रन के ताकों में श्रीलंका की टीम 137 रन बना सकी। शानदार सेंचुरी पर बटलर मैन ऑफ द मैच करार। नाकाबिले शिकस्त शाहीन एक और शिकार के लिए तैयार। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नामीबिया आज आमने सामने होंगे। मैच की कामयाबी पर ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरउम्मीद।